गुड इवनिंग गाइस, मैं शीतल बाखरे, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। डेफिनेटली आने वाले वीक में मार्केट कैसे रहेगा उसका इंतजार आप कर रहे थे और मैं एज ऑलवेज आपके सामने प्रेजेंट हूँ परफेक्ट निफ्टी का लेवल लेके। डेफिनेटली पहले कुछ थोड़ी बातें करते हैं कि स्टॉक सिलेक्शंस कैसे होना चाहिए, स्टॉक मार्केट में काम कैसे करना चाहिए, क्योंकि हफ्ते भर में मेरे पास काफ़ी सारी काफ़ी सारी क्यूरीज आ जाती है कि शीतल हम लोग कर तो रहे हैं ट्रेडिंग, बट कहीं ना कहीं काफ़ी सारी दिक्कतें हम लोग फेस कर रहे हैं। कोई 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई 50,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट आपको जितनी करनी है उतनी कीजिए, बट उसके साथ में रेशियो ऑफ प्रॉफिट बहुत जरूरी होता है। मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग आज बात करेंगे बिजनेस चैनल्स के बारे में। आप सारे बिजनेस चैनल्स देख लेते हो कि सुबह सुबह आपको बताया जाता है कि फलाना स्टॉक बढ़ेगा और इसको आज बेचना चाहिए, और उसके अपोजिट आपके साथ डेफिनेटली होता है। आपके साथ नहीं, हर किसी के साथ यही होता है कि जहां पे आपको एंटर करने के लिए बोला जाता है वहां से 1-2 रुपए बढ़ेगा और वो स्टॉक फॉर 5-6-7 साल आपको संभालना पड़ेगा। यही दिक्कतें मैंने लास्ट वीक काफी सारे लोगों के साथ सुनी है कि शीतल ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। डेफिनेटली अगर आप मेरे स्टूडेंट से बात करोगे तो न्यूज चैनल्स डेफिनेटली बेनिफिशियल होते हैं। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि वो कमर्शियल है, 20-20 सालों से न्यूज चैनल चल रहे हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट उसमें से कमर्शियल वे हमें कैसे निकालना है वो बहुत जरूरी होता है। उसके साथ आपको डील करनी पड़ती है। बिजनेस चैनल्स के लिए डेफिनेटली कमर्शियल होते हैं, उन लोगों को पैसे मिलते हैं, इनसाइडर न्यूज रहती है, इन्वेस्टर्स को स्टॉक खरीदना होता है तो वो हमसे बिकवाते रहते हैं या फिर उनको बिकवाना रहता है, उनको बेचना रहता है स्टॉक्स तो वो हमें खरीदवाते रहते हैं। ये हर एक की बिजनेस पॉलिसी हम लोग बोल सकते हैं। उस पॉलिसी से बचने के लिए डेफिनेटली कहीं सुनी बातों पे भरोसा ना करें, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वो लोग जब मार्केट बढ़ता है तो आप लोगों को बाइंग करने के लिए बोलेंगे, थोड़ा सा नीचे आ गया तो वो नीचे फिर 10 लोग बिठा देंगे और उसके साथ उनका डिस्कशन होगा और आप उसमें पैनिक हो जाओगे, आपका टेंशन बढ़ जाएगा। उनको तो पैसे मिलेंगे बट टेंशन आपका मिलेगा, पैसा आपका जाएगा। सो खुद का डिसीजन लेना स्टॉक मार्केट में बहुत जरूरी होता है। कहाँ से खरीदना है, कहाँ पे बेचना है, इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, बट उसमें से बहुत सेलेक्टेड रूल आपको फॉलो करने हैं। वो स्टॉक जब मार्केट नीचे आता है तब अच्छे वाले ग्रुप के स्टॉक्स खरीदो, ये तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एवरेजिंग करने के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल निकाल लीजिए, ये भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। जो भी एक चीज हमेशा और ध्यान में रखिए, काफी सारे IPO जब आ जाते हैं, इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी बढ़नी शुरू हो जाती है और काफी सारे IPO आ जाते हैं। जब IPO आते हैं मतलब मार्केट बढ़ने के मूड में रहता है, वहां पे आपके पास जो स्टॉक है वो बेचना शुरू कर दीजिए। काफी सारी टिप्स हमेशा मैं आप लोगों के साथ तो शेयर करते ही रहती हूँ। फंडामेंटल टेक्निकल तो आप सीख ही गए हो, अब देखना कि कैसे देखना है, स्टॉक सिलेक्शंस कैसे करना है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इंडेक्स व्यूज से लेके हर छोटी छोटी बातें बिजनेस चैनल्स में देखिए, वो लोग क्या बोल रहे हैं वो भूल जाइए। हमें देखना है BSE NSE में स्टॉक्स कैसे बढ़ रहे हैं, डॉलर वर्सेस रुपीस क्या है, देन एडवांस डिक्लाइंस रेशियो क्या है, काफ़ी सारे मार्केट्स में क्या हलचल हो रही है। अभी जैसे ईरान और USA के बीच में फाइट हो सकती है या नहीं हो सकती है, अब उसे बढ़ा चढ़ा के डेफिनेटली वो बता सकते हैं, बट वॉर होना इतना इजी नहीं है गाइस। वॉर होने के लिए काफी सारी इकोनॉमी लगती है, स्पेशली फंड्स लगते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि US और ईरान इतने सारे फंड वॉर में डेफिनेटली वेस्ट करेंगे। जैसे चाइना और हमने देखा था USA के बीच में, ट्रंप और उन लोगों के बीच में जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं बातचीत करके सॉर्ट आउट हो रहा था। डेफिनेटली तब पैनिक सिचुएशन मार्केट में बन जाती है और वही पैनिक सिचुएशन सबसे बेस्ट होती है आप लोगों को स्टॉक खरीदने के लिए। तो यही रही आज की टिप्स की बिजनेस चैनल्स पे रिकमेंडेशंस थोड़े से अवॉइड कर लीजिए। एकदम स्ट्रिक्ट फॉरवर्ड अगर बात करूं तो रिकमेंडेशंस अगर आपको खरीदने हैं तो देखिए, इनसाइडर न्यूज किसे बोलते हैं कि वो स्टॉक बढ़ने से पहले जब आपके पास न्यूज आए दैट इज कॉल्ड इनसाइडर न्यूज। वो स्टॉक बढ़ते जा रहा है फिर आपको बोला जा रहा है कि अभी यार ये लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्यों भाई वो ऑलरेडी बढ़ चुका है, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करके फायदा नहीं है। तो आने वाले वीक में कैसे रहेगा स्टॉक मार्केट, डेफिनेटली निफ्टी
ने क्लोजिंग दी थी 11,788, सनसेक्स ने क्लोजिंग दी थी 39,394 एंड बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी थी 31,105. लास्ट वीक काफी अच्छा था मार्केट के लिए, स्टॉक्स बढ़ रहे थे. अगर आप देखोगे तो सेबी के नए नए रूल्स आ रहे हैं अगले 1st of August से. आज ही मैंने आर्टिकल आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बीएससी और एनएससी में स्टॉक्स आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो, वो प्लस पॉइंट है. मतलब पहले ऐसे था कि आपने इंट्राडे में बीएससी में कोई स्टॉक लिया है तो उसे बीएससी में ही बेचना जरूरी था. अभी ऐसे नहीं होगा, आपने एनएससी में लिया है और एंड ऑफ द डे उसका भाव बीएससी में बढ़ गया तो आप वो बेच सकते हो वहां पे. तो ये फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली फायदेमंद है. फिर 31st अगस्त से 5 दिन के ऊपर का डेबिट कोई ब्रोकर रखेगा नहीं. ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मार्केट को हिला सकता है, बट इसके लिए अभी काफी पूरा एक महीना पड़ा है. देन 5th जुलाई को बजट डिक्लेयर होने वाला है. अब आपका काम यहां से शुरू होता है कि बजट में कौन से स्टॉक शीतल बढ़ सकते, काफी सारे लोगों ने पूछा. बट ये काम आपका है, आप लास्ट 5-6 बजट निकाल लीजिए, किस किस चीज में बढ़ोतरी हुई है, किस किस चीज में घटाई हुई है, वो पर्टिकुलर कौन से स्टॉक्स थे और पर्टिकुलर कौन से स्टॉक गिरने वाले हैं, ये स्टॉक्स निकाल के आप लोग मुझे भेजिए. थोड़ा स्टडी आपका तो बनता है डेफिनेटली. सो एग्रीकल्चर हो गया, फार्मा हो गया, रियलिटी सेक्टर्स हो गया, लेंस वुमेन्स के लिए हो गया, टैक्स बेनिफिट्स हो गया, इन सारी चीजों में फोकस करिए. देन फूड इंडस्ट्रीज हो गई. काफी बार हम लोग देखते हैं कि लीकर पे टैक्सेस बढ़ जाते हैं, सिगरेट्स पे टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो आईटीसी वगैरह जैसे शेयर्स आप फाइंड आउट कर लिए. इसीलिए फंडामेंटली आपको सारी हिस्ट्री निकाल के आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके आपको बेनिफिट होगा वहां पे. आने वाले हफ्ते में मुझे लग रहा है निफ्टी यहां से, जैसे मैंने बोला कि 11,788 पे क्लोज हुआ है, तो बजट प्री बजट रैली कहीं हम देख सकते हैं. बजट के बाद थोड़ी बहुत गिरावट डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं, बट प्री बजट रैली यहां पे हमें देखने के लिए मिलेगी. निफ्टी 11,800 से लेके 12,000 तक जा सकती है, और नीचे की अगर बात करूं मैं तो 750-690 अगर हो सकता है तो आ सकती है. अब यही हो गया, ऊपर का भी लेवल दे दिया और नीचे का भी. एवरी वीक आप देखते हो कभी कभी मेरी दोनों लेवल परफेक्टली चली जाती है. स्टॉक्स के बारे में डेफिनेटली, स्टॉक्स के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैंने अभी बोला कि बजट रिलेटेड अगर आपको स्टॉक पिक करने हैं तो अजंता फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है. जस्ट डायल मुझे थोड़ा सा वीक यहां से लग रहा है. दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो. ट्रेडिंग से बेटर हमेशा मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ कि लॉन्ग टर्म पे भरोसा करिए. लॉन्ग टर्म कोई भी चीज आपको प्रॉफिट करके देती है. शॉर्टकट ऑलवेज थोड़े बहुत फटके देके जाता है तो बेटर है. ऑलवेज लॉन्ग टर्म के बारे में बात करिए. हाँ, निफ्टी और सनसेक्स ये सारी बातें तो हो गई. न्यूमरोलॉजिकली अगर बात करूं तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी आपके लकी कलर्स. देखिए, हमारे घर में या फिर हमारे ऑफिस में हम लोग जब भी बैठते हैं तो एक अलग मूड होता है. ऑफिस में आपका एक अलग मूड होता है, घर में आपका एक अलग मूड होता है. तो उसका सबसे मेन कारण होता है आपके आजू बाजू के कलर्स. आपके लिए लकी कलर्स कौन से वो पहले फाइंड आउट कर लीजिए आपके बर्थडे के हिसाब से. जैसे अगर आप देखोगे तो मेरे ये वॉल पे ऑफ व्हाइट कलर है और मेरे पीछे की वॉल पे देखोगे तो ऑरेंज कलर है. दिस बोथ कलर्स आर लकी फॉर मी, बट मेरे पीछे कौन सा कलर होना चाहिए और मेरे सामने कौन सा कलर होना चाहिए ये मेरे बर्थडे के हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. तो आप जहां पे बैठ रहे हो वहां पे आपका लकी कलर कुछ ना कुछ आपके साथ, आपके पीछे, आपके बाजू में होगा. तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट होने दीजिए या कोई भी बिजनेस होने दीजिए, आपको वहां पे प्रॉफिट ही होगा. आपकी बैठने की जगह प्रॉफिट होने के टाइम पे मोस्ट ऑफ टाइम आप देखो, आप सोचते हो कि मैं वहां पे बैठूंगा तो मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है, मैं यहां पे बैठूंगा तो मुझे कभी प्रॉफिट नहीं होता है. यही होता है, बैठने की जगह बहुत मैटर करती है. आपका फेस हमेशा नॉर्थ साइड होना चाहिए और आपके पीसी का फेस डेफिनेटली ईस्ट और वेस्ट साइड होना चाहिए. ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि अगर आप मुझे देखोगे, मेरे बैठने की जगह हमेशा नॉर्थ साइड होती है और मेरा जो पीसी होता है तो वो वेस्ट साइड या फिर ईस्ट और वेस्ट साइड में रखती हूँ हमेशा. तो ऐसे ही करिए. टिल देन आने वाला हफ्ता डेफिनेटली आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा.
हाँ काफी अच्छे स्क्रीनशॉट आप लोग मुझे भेजते हो, काफी अच्छी टिप्स आप फॉलो करते हो मेरी. सो एंजॉय योर प्रॉफिट गाइस, टिल देन बाय बाय.